नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और सबूत उजागर हुआ है। जी हां, बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कैमरे में कैद हो गई, जहां इमरजेंसी वार्ड से ईमानदार मरीज को कंधे पर ले जाते दिखाई दिए। वहीं सड़क हादसे में घायल हुए युवक का इलाज न करने का भी डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया है। ईमानदार घायल अवस्था में मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने को मजबूर हुए। ये पूरा मामला बुलंदशहर की खुर्जा सीएससी के इमरजेंसी वार्ड का है। मेरा अवनेश कुमार। कौन सा गांव है? हाजीपुर भटोला। ये क्या मामला, आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये बाइक से आ रहे हैं कहीं। हाँ, इनका कोई एक्सीडेंट हो गया उनका। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे लेके आए गए जी, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। अच्छा, ठीक है जी, चलो हमने मान ली ड्रिंक कर रखी होगी, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा इसको। कौन से अस्पताल में लाए थे? इसी में लाए, इसी अस्पताल में। अब कहाँ ले जा रहे हैं? अब हम ले जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, जब यहाँ कोई सुनवाई ना हो रही, ना कुछ देखभाल हो रही। डॉक्टरों ने नहीं देखा कुछ, किसी ने कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं दिया और वो मरीज जो डाउन होता चला जा रहा। चलो चलो चलो, क्या नाम है?